उज्जैन जिले के तराना में दबंग हिंदू सेना द्वारा 3 दिवसीय शस्त्र प्रशिक्षण शिविर का समापन शनिवार को स्थानीय शिवशक्ति मार्केट में संपन्न हुआ, जिसे बालिकाओं को विश्व मंगल अखाड़े की खलीफा मुस्कान दिनेश सुसोदिया द्वारा जो प्रशिक्षण दिया गया था उनकी कुछ झलकियां बालिकाओं ने दी। इस अवसर पर दबंग हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश पुरी महाराज, दबंग हिंदू सेना ने अपने संबोधन में कहा कि जो बालिकाएं अपने आप को सुरक्षित करना चाहती हैं वो पॉजिटिविटी के साथ आत्मरक्षा के लिए तैयार हो, इसके लिए उन्हें कुछ कुछ तौर तरीके आना चाहिए, तभी वो सुरक्षित हो सकती है। ना तो सरकार इनकी रक्षा कर सकती है, ना पुलिस इनकी रक्षा कर सकती है, ना माता पिता। 24 घंटे इनकी रक्षा इनको स्वयं करनी होगी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इन बालिकाओं को कुछ कर्तव्य शिविर में सिखाए। इस अवसर पर दबंग हिंदू सेना के समस्त कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद थे। जी, ये दबंग हिंदू सेना के बैनर पर हमारे ललित जी, लोकेश जी शर्मा, राहुल जी भट्ट, ये हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, तहसील अध्यक्ष, और इन सब लोगों ने मिलके ये मुस्कान जी हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि उज्जैन में आप अभी सबसे अच्छा प्रशिक्षण का कार्य कर रही हैं। हम लोग ये मानते हैं कि सच्चे अर्थों में अपनी बहन बेटियों को सुखी करना है, सुरक्षित करना है, लव जिहाद जैसी समस्याओं से जूझने के लिए इनको हम कुछ आत्मरक्षा के गुर सिखाएं। और आत्मरक्षा शिविर लगा करके हमने छोटी छोटी बच्चियों को आत्मरक्षा के लिए कुछ गुर सिखाने का प्रयास किया है। और इतना ही नहीं, हम भविष्य में भी इसी प्रकार से जगह जगह पर अच्छे अच्छे शिविरों का आयोजन करेंगे। और हम कहते तो हैं कि नारी तू नारायणी, लेकिन हम उसको नारायणी बनाते नहीं हैं। जब हमारी देवी और देवताओं के सबके हाथ में शस्त्र होते हैं तो हम चाहते हैं कि हम जब उनको अपना आदर्श मानते हैं तो अपनी रक्षा करने के लिए हमारे हाथ में भी शस्त्र भी हो और शास्त्र भी हो, यानी हमको ज्ञान भी हो और आवश्यकता पड़ने पर हम दुष्टों से अपनी रक्षा कर सकें। पहले राक्षस कहते थे उनको, आजकल हम आतंकवादी कहते हैं, गुंडे कहते हैं, ये सब राक्षस ही तो हैं। तो राक्षसों से लड़ने के लिए देवताओं को शस्त्रों की आवश्यकता पड़ी और इन गुंडों से लड़ने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए हमको भी शस्त्र की आवश्यकता है, हथियारों की आवश्यकता है। तो कम से कम जो ऐसे हथियार हैं जो कि कानूनन हैं, हम कानून हाथ में लेना नहीं चाहते, लेकिन कानूनन कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि हम जिनके माध्यम से रक्षा कर सकें, तो वही हम बच्चियों को सिखाने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि पूरे देश में ये अभियान इस प्रकार से फैले और कम से कम हमारी बच्चियाँ, आने वाली पीढ़ी, उसमें बच्चियाँ भी हो सकती हैं और बच्चे भी हो सकते हैं, दोनों के लिए अलग अलग शिविर आयोजित करके हम अपनी नई पीढ़ी को आत्मरक्षा के लिए तैयार करना चाहते हैं। यहाँ से ऐसी लेके जा रहे हैं कि जहाँ की गर्ल्स वगैरह अपनी आत्मरक्षा कर सके। 3 दिन का शिविर लगा जिसमें तराना तहसील की लड़कियाँ अधिक से अधिक उपस्थित होकर अपनी आत्मरक्षा सीखने के प्रति जो चीजें हैं वो सब सीख चुके हैं, और इससे ये उम्मीद करना चाहते हैं कि आगे भी गर्ल्स को बताएं। तराना से कल्याण सिंह तोमर की रिपोर्ट।